पूरी नहीं है। इस विषय में मैंने अपने ऑनरेबल मंत्री माननीय चौधरी लाल सिंह जी से भी बात रखी है और मुझे विश्वास है अपनी सरकार के प्रति कि बहुत जल्दी ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिस्ट्रिक्ट पूरी फैसिलिटी जो है तो दी जाएगी। खासकर अगर मैं बात करूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ हो उसमें भी कमी है। अगर बात करना चाहूँगा अपने ट्रामा हॉस्पिटल की तो ट्रामा हॉस्पिटल में स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है, स्टाफ नहीं है, उस वजह से मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, लोगों को लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा रामबन जो है सेंटर प्लेस ऑफ J&K है और रामबन जो है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ होना चाहिए। हमने चौधरी लाल सिंह जी से भी बात की है। अगर बात करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन की तो रामबन डिग्री कॉलेज की ये हालात है कि उधर बहुत बुरी हालात है, कोई स्टाफ नहीं है। अगर 14 असामियाँ हैं तो जिसमें से 4 या 5 जो फिल है बाकी सारी खाली पड़ी हुई हैं, उसमें बाकी अगर स्टाफ की बात करेंगे वो भी काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से मेरे जो स्टूडेंट हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और मैंने इस विषय में अपने मंत्री साहब से बात की है और हमारी सरकार काफ़ी जल्दी काफ़ी कोशिश रहा है हमारी कि इस खाली वैकेंसीज को पूरा किया जाएगा। इस विषय में मैंने अपने एजुकेशन के मंत्री साहब से भी बात रखी हुई है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करना चाहूँगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रामबन में अगर बात करूँगा तो चाहे विडो पेंशन हो चाहे ओल्ड एज पेंशन हो काफ़ी सारी उधर पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो इस विषय में मैंने आज हाउस में भी बात रखी थी तो ये पेंडेंसी जो है नहीं होनी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा मेरे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी सरकार के द्वारा और मैंने मंत्री साहब से भी ये आज बात विषय रखा हुआ है और बात करेंगे कि इस पेंडेंसी को दूर किया जाए और जितने भी मेरे ओल्ड एज पेंशनर हैं अपने विडो पेंशन वाले जो अप्लाई करते हैं, मैं चाहूँगा और अपनी सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि ये फौरी तौर पर इन लोगों को पेंशन वगैरह मुहैया कराई जाए। अगर और इसके साथ अगर थोड़ी सी मैं बात और करना चाहूँगा अपने एजुकेशन में, काफ़ी सारी मेरी हाई स्कूल्स हैं जहाँ हेडमास्टर्स की कमी है, अपने जैसे देसा हाई सेकेंडरी की बात करूँगा वहाँ प्रिंसिपल नहीं है। तो इस विषय में आज हमने हाउस में बात रखी है और मुझे पूरा विश्वास है अपनी सरकार के प्रति और बहुत ही जल्दी ये कमी जो है पूरी की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। फोटो छोड़ के अब इसको सेव कैसे करना है किसको।